बॉलीवुड में कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं चलता। अभी पिछले ही साल कई सारे सेलेब्स ने अपनी शादी की न्यूज देकर सभी को चौंका दिया था और अब एक और कपल की शादी की खबरें सामने आने लगी है। आलिया और रणबीर का रिश्ता अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। आए दिन इन दोनों के प्यार और शादी के चर्चे सभी की जुबा पर छाए रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर ये दोनों शादी कब करेंगे। हर बार इस सवाल से आलिया तो बचती दिखी, साथ ही साथ कपूर खानदान के चिराग रणबीर भी इन सवालों से दूर रहे। लेकिन अब इनके रिश्ते और शादी की सच्चाई पर उन्होंने खुलासा किया है, जिनका नाम कभी रणबीर के साथ जुड़ता था। जी हाँ, रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण ने इशारों में लोगों को एक ऐसा हिंट दिया है जिसे सुनकर वो यकीनन खुश हो ही जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में साउथ के स्टार विजय देवगौड़ा, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट साथ मौजूद थे। तभी विजय देवगौड़ा से पूछा गया कि वो किन स्टार से सलाह लेना चाहेंगे और किन्हें वो पसंद करते हैं। इसके जवाब में विजय ने कहा, दीपिका पादुकोण और आलिया पर उनका क्रश था, लेकिन दीपिका की शादी हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही वो आलिया भट्ट को लेकर बोलने ही लगते हैं, तभी दीपिका बीच में उनकी बात काटते हुए कहती हैं, अब उनकी भी शादी होने जा रही है। दीपिका के दिए स्टेटमेंट ने मीडिया के साथ साथ वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि दीपिका ने बाद में इस जवाब को कवर अप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सडन जवाब से सभी को इतना तो अंदाजा हो ही चुका है कि जल्द ही आलिया रणबीर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। अब हो ना हो, कपूर खानदान के साथ साथ ये खबर रणबीर और आलिया के फैंस के लिए भी बड़ी गुड न्यूज है। वैसे ऑफ स्क्रीन ये कब एक दोनों एक दूसरे के होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही ऑन स्क्रीन रणबीर संग फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया नजर आने वाली है। तो रणबीर और आलिया के फैंस, ये न्यूज आपको कितनी ज्यादा खुशी देगी जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में।